सबसे पहले गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा, और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं हूं नेपाल में और मेरी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है एडवेंचरस नेपाल राइड। और पिछले दो रातों से मैं इसी होटल रूम में स्टे कर रहा था, थोड़ा बहुत पोखरा एक्सप्लोर कर रहा था, देख रहा था। और वो खड़ी चार्ली, मतलब पार्किंग स्पेस भी बहुत सही है यहाँ पर, मतलब कार वार पे भी अगर आते हो तो बिल्कुल सेफ पार्किंग है। साथ में आपको मैं दिखाऊँ, ये चल रही फेवा लेक, जो पोखरा की सबसे ज़्यादा फेमस लेक है। पूरे ग्रीन कलर के माउंटेन्स, और मतलब कहने का मतलब है पूरी ग्रीनरी दिख रही है माउंटेन्स में। ये छोटे वाले माउंटेन्स है, रियल माउंटेन्स दिखाऊँ आपको, वो देखो वहाँ पर स्नो कवर्ड माउंटेन है, वहाँ पर ट्राइंगल वाली पीक में माउंटेन है, अल्टीमेट लग रहा है। और उधर भी पूरे के पूरे स्नो कवर्ड, सामने माउंटेन दिख रहे हैं, हिमालयन रेंजेस सारा दिख रहा है। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है और मैं आज करने वाला हूँ आलू का पराठा, दही और साथ में सैलेड आए हैं। और आई नो सबसे पहले आप लोगों का यही होता है कि भैया जहाँ भी जाते हो कुछ प्राइस बता दिया करो, कितने का रूम मिला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होटल जो मैंने रूम एक्चुअली जो रूम मैंने आपको दिखाया हुआ, एक्चुअली कॉस्ट उसका 3200 रुपीस इंडियन करेंसी में है। बट आपको पता है जब भी मैं कहीं पर ट्रैवल करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि आपको बहुत रीजनेबल में डील दिलवा सकूँ। तो 1800 रुपये में आप लोग तीन लोग रह सकते हो, साथ में आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड मिलेगा। मतलब इट्स अ ग्रेट डील, आपको पोखरा में इससे चीप कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इस टाइप का होटल और इस टाइप की हॉस्पिटैलिटी और इस टाइप का खाना। और ये बिल्कुल फेवा लेक के पास पड़ता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर यहाँ पर आना हो तो एक बार कॉल ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जितनी भी आपकी बुकिंग्स हैं वो सारी कंफर्म हो सके।